दोस्तों, अगर आप भी गोविंदा को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, गोविंदा ने सलमान खान को लेकर कह दी है बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गोविंदा ने सलमान खान को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप वो चीज़ जो है वो जान नहीं पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों का ऐसे ही हौसला अफजाई से मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए रोजाना बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, गोविंदा ने फिलहाल एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि उनका अगर फिल्मी करियर ख़त्म हुआ है तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सलमान खान ही है। और उन्होंने नाम ना लेते हुए ये कहा कि मुझे अभी जो भी प्रोड्यूसर्स या जो भी डायरेक्टर्स कांटेक्ट कर रहे हैं मूवीज़ के लिए, उनको कोई कहता है कि आप गोविंदा के साथ काम क्यों कर रहे हो, उसका तो करियर ख़त्म हो चुका है, ये वगैरह वगैरह। और गोविंदा ने यह तक बोल दिया कि अल्लाह ऊपर बैठकर सब देख रहा है, और हर किसी को जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो गोविंदा का ये कहना है सलमान खान के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सच में गोविंदा का फिल्म करियर ख़त्म होने के पीछे सलमान खान का ही हाथ है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ये सुनने में आया था कि गोविंदा की जो बेटी है उनको भी एक मूवी में लिया जाने वाला था, लेकिन सलमान खान ने मना कर दिया, इसी वजह से उनकी बेटी जो है उनको एक मूवी में नहीं लिया गया। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।